हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हमारे में चेकआउट प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, हमने अपने कस्टमर्स को, गेस्ट को चेकआउट कैसे करता है। जैसे आपने लास्ट वीडियोस में देखा, मैंने आपको बताया कि हमने कस्टमर्स की रिजर्वेशंस कैसे करनी है, रूम सर्विस कैसे देना है, लॉन्ड्री सर्विस देना है, हमने उनको कैसे प्रोवाइड करना है। इन सभी सर्विसेज प्रोवाइड होने के बाद जब गेस्ट हमारे होटल से चेकआउट होने लगता है तो हमने उनको चेकआउट कैसे करना है, उस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके सेंटर में जितने भी आपके स्टे किए हुए हैं गेस्ट, वो सारे शो कर रहे हैं आपके पास। तो जो भी सपोज कीजिए चेकआउट की जिसकी भी डेट आज ड्यू होगी, ठीक है, तो उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल वे में। तो हम उसको ऊपर से चेकआउट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, चेकआउट पर क्लिक करने के बाद कोई भी रूम को अगर सपोज कीजिए मैंने आज चेकआउट क्लिक करना है, तो यहाँ पे ये देखिए इनकी सारी डिटेल्स आ गई A to Z। एट अ टाइम हमने कोई डिस्काउंट देना है 10%, 5%, कुछ हमारे खास है 20%, तो वो हम डिस्काउंट दे सकते हैं। यहाँ से हमने चेकआउट करने से पहले हमने कस्टमर्स की पेमेंट क्लियर करनी है। पेमेंट क्लियर के हमने हर तरह के पेमेंट मोड मेथड दे रखा हम लोगों ने। यहाँ पे आप कैश, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गेस्ट अकाउंट से भी करना है, भारत पे, गूगल पे, कहीं से भी आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उस मोड को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे हमने जो अमाउंट इसका बैलेंस करना है वो जीरो करना है। आप इसमें मल्टीपल पेमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं वो भी आपको अभी दिखाई देता हूँ कि जैसे सपोज कीजिए गेस्ट कहता है कि मेरे पास कुछ कैश है, सपोज कीजिए मेरे पास 5000 कैश है और जो मेरी पेंडिंग अमाउंट है वो मैं आपको गूगल पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस हमारे पास फैसिलिटी है। हमारे पास ये करने के बाद जब हमारा बैलेंस जीरो हो जाए, जस्ट सिंपल हमने चेकआउट पे क्लिक करना है। चेकआउट पे सक्सेसफुली हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंट हम जैसे देते हैं, यहाँ पे हमारा देखिए एक प्रिंट के क्लिक करने पे हमारे पास ऑप्शन पूछ रहा है, डू यू वांट टू प्रिंट रूम सर्विस इन्फो आल्सो। रूम सर्विस इन्फो आल्सो मीन्स टू से कि आप चाहते हैं कि टोटल कंप्लीट इसकी जो जब तक अभी तक स्टे किया हो, जैसे इसने रूम सर्विस, लॉन्ड्री सर्विस, कोई भी चीज़ को जो भी गेस्ट ने लिया सर्विस आपसे, उस चीज़ को सारा बिल के ऊपर शो करना चाहते हैं तो आप यस कर देंगे। अगर कई बार क्या होता है कि आपके पास कंपनी से कस्टमर्स आते हैं, गेस्ट आते हैं, वो कहते हैं भाई हमें जो हमारा रूम सर्विस का बिल है वो अलग दे दो, सिर्फ हमें रूम का बिल अलग दे दो, तो वो चीज़ें हम उस जगह पर हम नो कर देंगे। अगर हम नो करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपका देखिए रूम के चार्जेस ही शो होंगे। सिंपल, अगर आप चाहते हैं उनको हमने कंप्लीट बिल देना तो आप यहां पे यस कर देंगे तो उनको कंप्लीट बिल आ जाएगा सारी चीजें का, रूम सर्विस, लॉन्ड्री सर्विस, जो भी सर्विसेज इन्होंने ली होगी वो सारी सर्विसेज यहां पे शो हो जाएंगी आपको इजी वे में। और यहाँ पे अगर रूम सर्विस एक्स्ट्रा अगर आपने कुछ दिया होगा इस गेस्ट को तो यहाँ पे रूम सर्विस में सारी लिस्ट शो हो जाएगी, हमने क्या क्या सर्विसेज इनको प्रोवाइड की है। तो इस तरीके से हमने अपने इसमें चेकआउट करना है हमारे सॉफ्टवेयर में। अब मैं अगर आपने देखना है कि चेकआउट की रिपोर्ट कैसे देखनी है तो यहाँ पे देखिए आप रिपोर्ट में जाके यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करके डेट आगे पीछे करके यहाँ पे पूरी आप डिटेल्स आप देख सकते हैं, A to Z सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगे। आप इनको प्रिंट लेना चाहते हैं, प्रीव्यू करना चाहते हैं, एक सेकंड में आपको यहां से GST पता लग जाएगा, पूरा मंथ हर चीज, सारा रिपोर्ट पूरे मंथ की रिकॉर्ड आपको आ जाएगा इजी वे में। रूम वाइज सर्च करना है, हर तरह की यहाँ पे आपको सारी
सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी चेकआउट, किसी पर्सनल चेकआउट्स को चेक करना है, सर्च करना है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये हमारा चेकआउट की प्रोसेस है। आगे हम और वीडियोस भी ऐसे लाते रहेंगे, हम अपने सॉफ्टवेयर की पूरी नॉलेज हम अपने यूट्यूब पर अपलोड करते रहेंगे। बाकी आप अगर अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।